सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ आपसे, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और बहुत से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं कि वो फ्री में कह रहे हैं हम इतनी महंगी महंगी लगाते हैं लेकिन हमारी जो जिल्द है ना वो फिर भी जो है खुश्क ही रहती है और स्किन के बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि जिल्द उनकी खुश्क हो जाती है, खुश्की की वजह से जगह जगह से कटने लगती है, दाग धब्बे इतने ज़्यादा होने लगते हैं और जो नई बच्ची हैं वो ज़्यादा शिकायत कर रही हैं कि इतनी महंगी महंगी हम फ्री में मंगा रहे हैं 2-3 हज़ार की, फिर भी जो है हमारी स्किन जो है वो ग्लो नहीं करती है और इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही है। तो और इन क्रीमों के आपको पता है असरात इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, बच्चियों की स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है और ये रेमेडी हमारी जो है बहुत पुरानी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे हाथों को चेहरे को एकदम नरम और मुलायम कर देती है, किसी भी महंगी से महंगी क्रीम ये जगह नहीं ले, ये जगह कोई भी महंगी से महंगी क्रीम जो है जगह नहीं ले सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से हम जो है हाफ टेबल स्पून जो है ये इरेज़रीन लेंगे हम और 2 टेबल स्पून जो है ये नींबू का अदरक लेंगे और यानी कि अगर 2 ये लेंगे तो 4 टेबल स्पून जो है हम ये हरके गुलाब लेंगे। इन तीनों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत पुराना है और सबको पता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन जो नई बच्चियां हैं वो बेचारियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो यही है कि ऑनलाइन जो है क्रीम वगैरह वो बहुत ज़्यादा ले रही हैं और फिर उनको ये शिकायत हो रही है कि हमारा चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुश्की होने लगती है। आप यकीन करें इससे हाथ और चेहरा इतना नरम मुलायम और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें। इन तीनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरके गुलाब डाला हमने इस तरह से 4 टेबल स्पून और फिर 2 टेबल स्पून जो है हमने नींबू का जूस डाला बिस्मिल्लाह की बरकत से और 1/2 टेबल स्पून इरेज़रीन जो है ये कम रखनी है, बहुत ज़्यादा इसे चिपकने लगता है और चेहरा फिर ये है कि ब्लैक होने लगता है। इससे ज़्यादा अगर आप इरेज़रीन डालेंगे, कम है इरेज़रीन आधी है क्वान्टिटी कम डालनी है और इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी बॉटल में जो है आप जो है इसको सेव कर लीजिए अच्छी तरह से। और फिर अगर आपको बढ़ाना है तो इसी तरह से, मतलब कि अगर 2 चम्मच जो है हमने नींबू लिया है तो फिर इसी तरह से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लिसरीन कम रखनी है। ग्लिसरीन के वैसे भी आपको बहुत फ़ायदे जो हैं ग्लिसरीन के इसके बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आपके मुँह में छाले हो गए हैं और अंदर जो है कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है मुँह के अंदर तो एक कॉटन में जो है इसको थोड़ा सा लगा के ग्लिसरीन को मुँह में रख लें, कुछ देर तक जो है ग्लिसरीन मुँह में घुमाते रहिए, फिर उसके बाद जो है फुल्लियाँ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। अंदर के छाले ज़ख़म खुदा ना करे कोई हो गया है वो आपका सही हो जाएगा, मैदे की गर्मी को ये दूर करती है। ग्लिसरीन की बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं और अरके गुलाब तो आपको पता है उसके फ़वाद, स्किन के लिए बेहद मुफीद है, बेहद बेनतहा इसके फ़वाद हैं और लीमू में विटामिन सी होता है तो स्किन को चमकदार बनाता है। ये देखें इस तरह हम लगाएंगे अपने हाथों पे और देखें हमारे हाथ एकदम जो है नरम मुलायम हो जाएंगे। इस तरह से आप रात को रोज़ाना सोते वक्त या सुबह दिन में कभी भी आप लगा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपके हाथ भी एकदम नरम मुलायम हो जाएंगे और आपका चेहरा भी जो है इंशाल्लाह ताला ग्लोइंग करने लगेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह बना के किसी जार में आप रख लीजिए और फिर लगाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।